अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम देगी चिकन कोफ्ते का सालन बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आलू चिकन कोफ्ते हैं ये, आलू भी मैंने इसमें ऐड करी हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। आइए शुरू करते बनाना, देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी। चिकन देगी आलू कोफ्ते के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ बोनलेस चिकन, 300 ग्राम चिकन ले रही हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम भुने हुए चने का पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से और 1 छोटी प्याज कटी हुई। अब हमें इसे फाइन चॉप कर लेना, ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। फाइनल मैंने इसे पीस ली अच्छे से, ग्राइंड कर ली हूँ। अब इसे निकाल लेंगे इसमें और हाथों से अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे मसलते हुए। इसे अच्छे से आप हाथों से मसलते हुए चिकना कर लीजिए, फिर इसके बना लेंगे हम कोफ्ते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कमी लगे तो आप कमेंट करिए ज़रूर बता सकते हैं। कौन सी सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वॉच कर रहे हैं, ये भी ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। बस इसे अच्छे से हाथों से इसे मसल के आप चिकना कर लीजिए। अब इसके हम छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। ऐसे आपको गोल गोल कोफ्ते बना लेने हैं, सारे मैं ऐसे तैयार कर लेती हूँ पहले, फिर आगे की रेसिपी आपको बताती हूँ। मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लूँ, इसी में हम अपना इसमें हम पहले कोफ्ते अपने फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जो ऑयल बचेगा इसी में हम अपना कोरमा बनाएंगे। एक तरफ से इसे गोल्डन होने देते हैं, उसके बाद हल्के हाथों से चलाते हुए आप गोल्डन फ्राई कर लीजिए। एक तरफ से गोल्डन हो चुके हमारे कोफ्ते, हम इसे पलट लेंगे हल्के हाथों से। इसे आप बिना फ्राई किए भी पका सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, काफ़ी मज़ेदार कोरमा तैयार होता है आपका, चिकन कोरमा, चिकन कोफ्ते कोरमा। अच्छे से हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अपना आलू फ्राई करेंगे। पूरे कोफ्ते मैंने निकाल लिए तेल में से, अब हम इसी तेल में आलू फ्राई करेंगे अपना। जो ऑप्शनल है आप चाहें तो ऐसे भी आलू डाल सकते हैं, तो फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट काफी बन जाता है। आलू भी हमारे फ्राई हो चुके, अब हम इसे भी निकाल लेंगे और अब प्याज फ्राई करेंगे अपने। आलू में निकाल लियो फ्राई करके, सिर्फ साइड में रख देते हैं। और मैं यहाँ पे 3 बड़े साइज की प्याज ली हूँ, इसे आप गोल्डन फ्राई कर लीजिए, इसका बरिस्ता बनेगा, इसका पेस्ट बनेगा। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे, वैसे ठंडा होने देते हैं। प्याज सारा मैंने निकाल दी कढ़ाई में से, अब इसमें डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, चक्री, जो भी आपके खड़े मसाले हो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। और उसके बाद इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक से 2 मिनट के लिए आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून लीजिए तेल में। बाद में इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले अपने, धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और गरम मसाला पाउडर, इसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी अच्छे से भून लीजिए 2 से 3 मिनट तक के। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, हल्दी 1 छोटा चम्मच और गरम मसाला भी 1 छोटा चम्मच। बस इसे भी 2 से 3 मिनट तक आप भूनिए, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए अपने कोफ्ते।
दो से तीन मिनट हो गए मसाला भूनते हैं, उसमें ऐड करेंगे अपने कोफ्ते और आलू। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे ढक के रखने देते हैं जब तक कि हम अपने प्याज को ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। हमारा मसाला भून रहा है तो हम प्याज को पीस लेते हैं। देखिए फाइनल पेस्ट बनाना है आपको इसका। 100 ग्राम यहाँ मैं दही ले रही हूँ। पेस्ट मैंने तैयार कर ली बिल्कुल फाइनल सा। अब हम इसे भी ऐड कर लेंगे अपने कोरमे में। हम इसमें अपने प्याज का पेस्ट भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेंगे आप अच्छे से। तो मसाले को भूख आप इसमें ऐड कर लीजिए। चार से पाँच मिनट आप इसे और पकने दीजिए, उसके बाद हम लगाएंगे इसकी ग्रेवी। जितनी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। चार से पाँच मिनट इसे और पकने दीजिए आप ढक के। पकते हुए आइए हम चेक करते हैं इसे। बिल्कुल मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। 7 से 8 में ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। इसके साथ इसे 1 मिनट तक पकने दीजिए। बिल्कुल तेल हमारा अलग हो चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल भी रेडी है। 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी और आलू को सॉफ्ट होने तक के कोफ्तों के सॉफ्ट होने तक के पकने देंगे इसे। 1 से 2 मिनट और हो चुके हैं हम इसे भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। पानी आपको जितनी ग्रेवी रखना जो हिसाब से उस हिसाब से आप ले लीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद में इसे 2 से 3 मिनट तक के आप लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए ढक्कन लगा के। 4 से 5 मिनट हुए पकते हुए, आइए हम चेक कर लेते हैं ग्रेवी हमारी तैयार है या नहीं। परफेक्ट, ग्रेवी मेरी बिल्कुल तैयार है। अब फ्लेम कर देंगे ऑफ, सेवर चला लेंगे हल्के हाथों से। इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और ऐसी अच्छी अच्छी और इजी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो। बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते हमारे तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।